नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सैनिक स्कूल बालाचड़ी जामनगर गुजरात का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, वो डिक्लेयर हो चुका है। 20 मार्च को फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है और आप अपनी स्क्रीन पर अपने बच्चे का रोल नंबर चेक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और इन पर्टिकुलर डेट्स पर आपको जा करके सैनिक स्कूल बालाचड़ी में आपको रिपोर्ट करना है और आपको अपने बच्चे की एडमिशन को कंप्लीट करवाना है। तो सबसे पहले 20 अप्रैल को इन बच्चों को बुलाया गया है। ये जो आप रोल नंबर्स देख रहे हैं, 20 के बाद 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को और 23 अप्रैल को स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए इनवाइट किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे यही दिया गया है कि पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है किसी भी दलाल के बहकावे में ना आए। एडमिशन जो होता है वो प्रॉपर मेरिट के आधार पर होता है, मेडिकल फिटनेस के आधार पर होता है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो लोग अपना जो दिमाग है उसको यूज करें, ब्रेन को यूज करें, और इस तरह के किसी भी इस तरह के कड़े शब्दों का इस्तेमाल मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह के झांसे में आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो पेरेंट्स को टोटल मैं ऐसे 9 पॉइंट्स पढ़कर बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, टोटल 8 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या कहता है, रोल नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ पे अपने बच्चे का रोल नंबर चेक कर सकते हैं। और सबसे जो पहला पॉइंट है वो यही बताता है कि ये जो रोल नंबर दिए गए आपकी स्क्रीन पर, ये जो रोल नंबर है, ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये रोल नंबर वाइज है। तो ये आपको समझना है ताकि इसको रिपोर्ट करना, इसको बनाना इजी रहे। जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या बताया गया है, पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट। यानी जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियन को सारे एक एक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, और आपको मैं बता दूं ओरिजिनल और प्लस उनको वेरीफाई करवा करके फोटो स्टेट लेकर के आना है। एडमिशन के टाइम जब वो आएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है फाइनल अथॉरिटी इज द कॉल लेटर फॉर एडमिशन विच विल बी डिस्पैच बाय पोस्ट। हाउएवर पेरेंट्स गार्जियंस आर एडवाइज टू रिपोर्ट ऑन स्केड्यूल रिपोर्ट डेट। यानी पेरेंट्स को उसी दिन फाइनल कॉल लेटर आपको आएगा, आपके जो रजिस्टर्ड पोस्ट, आपने जो एड्रेस दिया है उसके ऊपर आपको, पहली बात तो आपको एक वो भी आएगा, क्या नाम है, आपको एक रजिस्टर्ड लेटर आएगा, कॉल लेटर आएगा। और दूसरा जो पॉइंट है, पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो जिस दिन उनको बुलाया जा रहा है एडमिशन के लिए उसी दिन उनको वहां पे रिपोर्ट करना है। कंबाइंड मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन एंड टू नॉट वेट फॉर कॉल लेटर इफ नॉट रिसीव इन ऑर्डर टू एंश्योर एडमिशन प्रोसेस इन टाइम। तो अगला पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या बताया गया है, बर्थ सर्टिफिकेट इशू फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफिस विल ओनली बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ एज। तो बर्थ सर्टिफिकेट आप लेकर के आ सकते हैं, इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफिस विल ओनली बी कंसिडर्ड एज, तो रजिस्ट्रार ऑफिस से भी आप लिखवा करके ला सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस पर्सन, एक्स सर्विसमैन जो है वो Part 2 ऑर्डर दिखा सकते हैं, वो ऑर्डर डली अटेस्टेड बाय COOC विल बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ एज। तो जो एक्स सर्विसमैन है, जो रिटायर्ड पर्सन है, वो Part 2 ऑर्डर जो CO और OC होते हैं उनका एज के प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं। एडमिशन विल बी प्रोविजनल इफ द करेक्ट डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी अगर आपका जो एडमिशन है वो प्रोविजनल होगा, अगर आप एडमिशन के टाइम पे सारे सही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हैं। तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है ऑल पेरेंट्स गार्जियंस टू कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज ऑफ देयर वार्ड इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट सच एज बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिखाना है, डोमिसाइल दिखाना है, अगर आप SC ST हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, फॉर्मेलिटीज
फॉलोइंग विल द कैंडिडेचर ऑफ योर वार्ड इज लाइबल टू बी कैंसल्ड और वैकेंसी, यानी अगर आप एडमिशन के टाइम में सारी फॉर्मेलिटीज या डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, और वो जो वैकेंसी है वो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे को दे दिया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल इंग्लिश, पेरेंट्स ऑफ ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट देयर चाइल्ड एक्वाइंटेड विद द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज ड्यूरिंग वैकेशंस। तो जो स्कूल का जो पढ़ाने का माध्यम होता है वो इंग्लिश होता है, तो पेरेंट्स को यही बताया जा रहा है कि जिनके बच्चे सेलेक्ट हो गए वो अपने बच्चे को वैकेशंस के दौरान जो इंग्लिश और हिंदी का जो बेसिक्स है उसको अच्छे से तैयारी करवा करके लाएं। सातवां पॉइंट क्या कहता है, काइंडली नोट दैट ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस ओनली पेरेंट्स आर अलाउड टू कम फॉर एडमिशन प्रोसेस विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, चिल्ड्रंस आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। यानी बच्चों को अलाउ नहीं किया जा रहा है कोरोना वायरस की वजह से, सिर्फ पेरेंट्स जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएंगे और बच्चे का एडमिशन करवाएंगे। आठवां पॉइंट क्या बोला जा रहा है, ऑल पेरेंट्स गार्जियन आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अपडेट कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ लिविंग द कैंडिडेट फॉर द न्यू सेशन फॉर समर वैकेशन। समर वैकेशंस के बाद जब आप अपने बच्चे को लेकर के आते हैं तो आपके पास बच्चे का पूरा कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट होना चाहिए जब आप बच्चे को नए सेशन के लिए छोड़कर जाते हैं तब, क्योंकि आप जब भी हॉस्टल में लेकर के आ रहे हैं तो इन सब बेसिक बातों का आपको ध्यान देना है। 7419992928 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। जो लोग सैनिक स्कूल बालाचड्डी में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हैं अपने बच्चे को 1 साल, हमारे स्कूल ने ये मुमकिन किया है। मिडिल क्लास फैमिलीज जो अपने बच्चों को सिर्फ 1,10,000 रुपए में 1 साल अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हम लोगों ने एक पॉसिबल कर दिया है 1,00,000 रुपए में अपने बच्चे को हॉस्टल में तैयारी करवाना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन गुजराती भाई बहनों के साथ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके माता पिता टीचर हैं, रेलवे में हैं, आर्मी में हैं, किसान हैं, बैंक में जॉब करते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में तैयारी करवा सकते हैं और बहुत ही मिनिमम फीस में आप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। जितना छोटी एज से तैयारी करवाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।